तो मेरे को महेश्वर का बस मिल गया है इधर। यहाँ पे महेश्वर बस स्टैंड से चल। तो मैं आ गया हूँ महेश्वर में, अभी यहाँ पे उतरा हूँ। चलो रहने का जगह देखते हैं किधर है, क्या है, कैसा है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश घूमने आते हैं, खास करके ये ओमकारेश्वर माहेश्वर, यहाँ पर अगर रास्ते में खाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर खाना, वो है जलेबी। कल मैं ओमकारेश्वर के लिए, जब मैं खंडवा से उतर के ओमकारेश्वर जा रहा था तो बीच में सनावद में मैंने 10 रुपये की जलेबी ली थी। काफ़ी है, 4-5 पीस देते हैं, लेकिन जो स्वाद है। यहाँ पर मैंने इन लोगों से मांग के एक जलेबी बनाया, जलेबी खाया मैंने, जो स्वाद है मुंबई में मुझे वो स्वाद अभी तक नहीं मिला। चलो ये चाय बना रहे, बताता हूँ। मैं ये अजंता लॉज में रुका हूँ, यहाँ पे सामने ठीक ठाक ही रूम है। मतलब 300 रुपये लिया मुझसे, मतलब 400 रुपये लिया, बोला 100 रुपया कल वापस करेंगे। तो ठीक है, मतलब 300 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश में आके मैंने एक और चीज़ जाना है, सीखा तो नहीं, जाना है। हम लोग जो हिंदी वापरते ना, वो हिंदी का बैंड बजाते हम लोग शहरों में। स्कूल में जैसे सिखाते हैं हिंदी, जैसे है, हम लोग कैसा बोलते हैं, है, ठीक है। लेकिन स्कूल में कैसे सिखाते हैं, है के ऊपर एक छोटी बिंदी, वो बिंदी की वजह से नाक का आवाज़ आता है। तो यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है, स्कूल के लेवल पे जैसा शुद्ध हिंदी सिखाते हैं,
आप यहाँ पे लोग भले जितना भी फास्ट हिंदी बोले, लेकिन यहाँ की हिंदी जो है वो स्कूल के लेवल जितना शुद्ध रहता है। अगर कोई बोलता है तो वो है का आवाज़ आता है। यहाँ पे बीच में बड़वा नाम का एक गाँव आता है, हम लोग बड़वा बड़वा बोलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग कितना भी फास्ट बोले बराबर बड़वा बोलते हैं। जो ड का है, ड के नीचे बिंदी रहती है, वो बोलते हैं। तो यहाँ पर आके मुझे मालूम पड़ा कि हम लोग हिंदी का बैंड बजाकर हिंदी बोलते हैं मुंबई में। ये एक और चीज़ है। चलो ठीक है, यहाँ पे रहेंगे तो सुधरेंगे, रहेंगे तो नहीं वैसे का वैसे। चलो चाय बहुत ज़बरदस्त है भाई का। ये अजंता लॉज के एकदम सामने ही है, अर्पित होटल। ओके अर्पित होटल, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे चाय पियो, मिठाई भी कम है, मतलब जैसा लगता है वैसा। ये मेन चौक है महेश्वर का, यहाँ पे दूसरे सारे मंदिरों की दिशा इधर है, और वो अहिल्या बाई होलकर जो है मंगेश लोग, उनका रजवाड़ा इस तरफ है। कल सुबह जाएंगे, चलो